हेलो मेंबर्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना सीखेंगे। सबसे पहले ड्राइंग्स के माध्यम से, उसके बाद में इसके एग्जांपल्स लेंगे 3 या 4, एंड किस तरह से आप अपना व्यू फिक्स करोगे उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जिसको आप एनालाइज करोगे, उसमें आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा डिस्कशन हम लोग आज के दिन करेंगे। सो थैंक यू, एंड ये एक क्लास रिकॉर्डिंग है जो कि कल के सेशन में हमने ली थी, एंड उसी क्लास रिकॉर्डिंग को हम आप लोगों के साथ शेयर करें। सो वेलकम टू द स्टूडियो। बहुत ध्यान से आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, हमें से हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एक भी डाउट आपके ना आए इसमें। उसके अलावा भी अगर कोई डाउट आते हैं तो भेजिए, कोई भी क्वेश्चन है आपको तो उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये उसको हम पढ़ा रहे हैं तब तक डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जब हम कहें कि भी कंप्लीट, कोई भी डाउट हो फटाक से हम लोग उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के मेथड्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम इसको मार्क करेंगे, रैली बेस्ड ड्रॉप या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, आप इसका नाम सुना होगा। ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप क्या होता है या रैली बेस्ड ड्रॉप क्या होता है, अभी सिर्फ एक पॉइंट हम लोग ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप रैली के बारे में बात करेंगे। ये कोई प्राइस है, लगातार वो हमारा गिर रहा है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 वापस से इसके अंदर एक रिजेक्ट, उसके बाद में फिर से गिर रहा है। ये मेरा क्या हो सकता है, एक सपोर्ट पॉइंट, फिर से प्राइस मेरा अपसाइड। एक सपोर्ट पर जाने के बाद में प्राइस मेरा नीचे की तरफ गिरना, उसने बंद किया और फिर से अपसाइड की तरफ की मूवमेंट। अगेन प्राइस क्या कर रहा है, ये जो स्विंग्स लगे हुए हैं ना, इन स्विंग्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ये वाले जो स्विंग है और ये वाले स्विंग्स, क्योंकि इन्हीं दोनों स्विंग से प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ गया है। अब मार्केट क्या कर रही है, मेरी रेंज को ब्रेक कर रही है। इसमें वॉल्यूम्स के भी बहुत अहम रोल है, अभी वॉल्यूम्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले प्राइस को समझते हैं, प्राइस मेरा गिरता चला जा रहा है। अगेन क्या हो रहा है, ये जिन दो पॉइंट्स को प्राइस मेरा ब्रेक करके अपसाइड की तरफ आया, इनको प्राइस ने ब्रेक करने से पहले यहां से ये अपसाइड की तरफ गया था, यहां से भी ये अपसाइड, उसके बाद में जैसे ही रेंज हमारी ब्रेक हुई डाउनसाइड की तरफ मेरा प्राइस। अब हमें एक चीज देखनी है, प्राइस के जो मूवमेंट्स हैं ये अपसाइड की तरफ, लाइक इस सेव पॉइंट पर ये जितनी भी एक्टिविटी हुई है, अगर हम इस सिस्टम का यूज कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है हम इसको बनने देंगे, वेट करेंगे पूरी तरह से। जैसे कि आपका ये प्राइस डाउन साइड की तरफ गया तो एक डाउन मूव, ये मेरा डाउन मूवमेंट है। इसके बाद में करेक्शन, ये वाला पॉइंट मेरा करेक्शन पॉइंट, इसी के साथ साथ ये भी मेरा डाउन मूव और ये मेरा करेक्ट डाउन मूव, इसको हम लोग होने देंगे, ये चलता रहेगा। इसके बाद में देखिए होता क्या है, मेरा ये जो सपोर्ट पॉइंट है, सपोर्ट को भी डिनोट कर देते हैं, ये मेरा हो गया सपोर्ट पॉइंट। इसके बाद में ये जो ब्रेकआउट था प्राइस के अंदर के जो ब्रेकआउट्स होंगे, एक्चुअली ये जो ब्रेकआउट है इसके अंदर हमें वॉल्यूम्स भी देखने की, क्या जिस एरिया से मेरा प्राइस गिरा है यहाँ से डाउन साइड की तरफ, इसके जो ब्रेकआउट है जिस एरिया से हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर क्या वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट आए हैं। अगर जैसे ही इसके अंदर ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकआउट हमें देखने की इसके अंदर ब्रेकआउट हो कैसे रहे, मतलब वॉल्यूम्स बढ़ी है, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं या फिर नॉर्मल ब्रेकआउट है हमारा। जब यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट सक्सेसफुली हो जाते हैं तो ये और भी ज्यादा कंफर्म्ड स्ट्रक्चर बनता है। वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो जाने के बाद में कंफर्म लाइक ये हो जाता है कि जिस सपोर्ट पॉइंट से प्राइस हमारा बार बार अपसाइड की तरफ इन दो पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा था, अब उसको फाइनली यहां से ब्रेक किया गया, वॉल्यूम्स भी यहां पर है, मतलब कि एक सक्सेसफुली प्राइस के जो ब्रेकआउट्स वो डाउन साइड की तरफ हुए। अभी इसको इस चार्ट के ऊपर भी समझेंगे तो और ज्यादा आपको आसानी होगी समझने की। इतना तो देखिए ये प्राइस का स्ट्रक्चर, ये जो मूवमेंट हुआ हो, अब ये जो ब्रेकआउट के बाद का एरिया बना हमारा, ब्रेकआउट के बाद का जो मूवमेंट है आफ्टर ब्रेकआउट, बाद में ये जो रिट्रेसमेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये रिट्रेसमेंट का जोन बनता है। यहाँ पर हमें काम एक करना होगा कि जैसे ही प्राइस मेरा रिट्रेस हुआ हम यहाँ पर अवेयर रहेंगे, और प्राइस के अंदर, क्योंकि यहां पर देखिए फिर से हम बता दें, ये जो ब्रेकआउट हुए हैं वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस के, क्योंकि डाउन साइड के ब्रेकआउट से, इस वजह से यहां पर जो हमारा व्यू बनेगा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग का बनेगा, बाइंग के लिए जस्ट इसका वाइस वर्सा होगा। प्राइस के अंदर डाउन मूव डाउन फॉल, डाउन फॉल के बाद में जैसे ही प्राइस मेरा अप साइड की तरफ जाएगा, हमें यहां से एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम अपनी सेलिंग को फाइंड करेंगे कंफर्मेशन के तौर पर। अक्सर देखा यह जाता है कि ये जो रिट्रेसमेंट का जो जोन बनता है, रिट्रेसमेंट का जो फेज बना, यहां से प्राइस में अप साइड की तरफ जाने के बाद में इसके अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो डाउन साइड की तरफ के ही दिखाई पड़ते हैं। हमें इन्हीं मूवमेंट्स को कैच कर, सिर्फ और सिर्फ इसी मूव को हम कैच करेंगे। फिर से समझ, इस जोन पर प्राइस ने डाउन से अप साइड की तरफ का एक रिट्रेसमेंट दिखाया, ये जो करेक्शन पॉइंट है, वापस फिर से देखिए सपोर्ट वापस करेक्शन यहां तक,
और उसको वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट कर दिया गया, एंड वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट करने के बाद में वापस से प्राइस मेरा रिट्रेस होकर के उसी जोन सपोर्ट फेज पर पहुंचा। सपोर्ट्स पर पहुंचने के बाद में इसके अंदर जो रैली आएगी या रैली का जो हमें वेट करना है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि अगर अपॉर्चुनिटी हमें ये मिलती है कि यहां से प्राइस के अंदर डाउन मूव हमें कंफर्म कर देता है। डाउन मूव कैसे कंफर्म होगा? आपको शॉर्ट करना है तो बेरिश फॉर्मेशंस आपको फाइंड करनी होंगी। अपने साथ साथ जो कन्फर्मेशन अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उन कन्फर्मेशन को यहाँ पर देखना होगा। स्टॉक सिलेक्शन का भी बहुत अहम रोल प्ले होगा इसके अंदर। इस स्ट्रक्चर का हमको वेट करना है। इम्पॉर्टेंट क्या है? स्ट्रक्चर को मिलना। ये जो स्ट्रक्चर है ये बस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको फाइंड करना होगा। डाउन साइड की मूव्स के बाद में यहां पर आपको सेलिंग्स देखनी। अभी हमने जिस तरह से बताया कि आपको बेरिश फॉर्मेशंस फाइंड करनी है, जस्ट उस पर आपकी कंफर्मेशन होनी चाहिए और यहां से आप शॉर्ट कर दोगे विद मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। अभी तो फिलहाल कुछ भी काम नहीं कर, ये बहुत छोटी सी चीज है। जस्ट आप इसका वाइस वर्सा कर दो, इस पूरा ये जो हमने डिजाइन बनाया इसको पलट दो, उल्टा हो जाएगा। अभी हम लोग इसको समझते हैं, जिस तरह से मूवमेंट हमको यहाँ पर मिले तुरंत नहीं करेंगे ना, यहाँ से प्राइस बाई होगा या फिर जैसे इस तरह से बाहर की तरफ निकल के चला गया, बाहर की तरफ चला गया वो, हम थोड़ी मरू बाहर चले जाएगा वो, इस तरह से फिर से डाउन साइड की तरफ गिर सकता है ना। जाने दीजिए उसको, बाहर जाना जाने दीजिए। वापस जब प्राइस इस जोन पर आएगा, क्योंकि अभी प्राइस मेरा ब्रेकआउट तुरंत तुरंत इसने दिखाया है कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया इन वाली रेंजेस का और फिर ये अपसाइड की तरफ निकल गया, ऊपर की तरफ निकल गया। अब हम लोग बैठे हैं कि वापस से प्राइस जब इस जोन पर आएगा, हमें अगर बाइंग करनी है तो यहीं से करनी है और बाइंग ही करनी है, सेलिंग नहीं करनी है। जिस तरह से यहाँ पर मेरा सेलिंग का व्यू था, ये वाला पॉइंट मेरा बाइंग का। चलिए इसको चार्ट पर देखते हैं। ये तो जीआरटी यूएसडीटी का चार्ट है। यहाँ पर सेम वही स्ट्रक्चर है जिस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। क्लास खत्म हो उसके बाद में आप लोग जाइएगा और अपने चार्ट्स के ऊपर करेंसी में और आपको मिल जाएगा। देखिए इस पॉइंट को देखिए, इस पर सपोर्ट लिया प्राइस अपसाइड की तरफ, वापस उसके प्रीवियस पे भी आप जाओगे तो इसी रेंज पर प्राइस ने सपोर्ट लिया के बाद में यहाँ पर, और फिर से प्राइस मेरा है ना फिर से अपसाइड की तरफ, और इस सपोर्ट को अभी प्राइस ने ब्रेक किया, अभी इन द सेंस के थोड़ी देर पहले जब से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस रेंज से प्राइस ने उसको ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट करने के बाद में वापस प्राइस मेरा उसी सपोर्ट जोन सपोर्ट पॉइंट पर पहुंचा, अपसाइड मतलब ये गिरा, गिरने के बाद में इसके अंदर अपसाइड की रैली आई, वहां से ही गिरा, फिर से अपसाइड की रैली आई, फिर से गिरा और वापस से प्राइस अपने उसी जोन पर जाए। एक चीज तो क्लियर है ना कि हमें यहाँ पर सेलिंग ही करनी है। अब ऐसा तो नहीं कि प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है, आंख बंद करके यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर देंगे। हमें यहाँ पर अब इंतजार होगा अपनी फॉर्मेशन का, वेट करेंगे ना, कोई छोटी सी कंफर्मेशन हमको मिले, जितनी भी बेरिश फॉर्मेशन है आप उसको यहां पर अप्लाई करो। पहला कंफर्मेशन लो कि उन फॉर्मेशन के जो ब्रेकआउट होंगे, मन में फिर से हम बोल रहे हैं एक पॉइंट हमारा क्लियर है, हमें बंद तो करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं सेलिंग के लिए, अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के। सेलिंग होगी, हम यहाँ पे फट से एक सेलिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे और जो मेरा स्विंग होगा आपके अकॉर्डिंग, जो मनी मैनेजमेंट है, जो रिस्क मैनेजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना रिस्क तय करोगे, अपने टारगेट का पॉइंट ऐड करोगे और उसके बाद उसको आप ट्रेड करोगे। कुल मिलाकर जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो है मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने के मेथड्स। ये जो सिस्टम आपको बता रहे हैं ना बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अभी थोड़े दिन पहले हमने अपने ग्रुप पर एक चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम पर, आप लोगों ने शायद देखा हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम था, भारत पेट्रोलियम। ये देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जब प्राइस हमारा इस रेंज पर पहुंचा था तब हमने आपको एक रेंज मार्क करके दी थी, मतलब इस वाले पॉइंट पर रेंज मार्क करके दी थी और इसी रेजिस्टेंस से प्राइस मेरा डाउन साइड की तरफ गिर गया था। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस पॉइंट था एक्चुअली ये वाला क्या था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आप देखो प्राइस इस रेंज पर कहीं पर ट्रेवल कर रहा था तो उस दिन की मार्केट को देखते हुए हमने अपनी रेंजेस यहीं पर ड्रॉ करके आपको शेयर की थी, बट एक्चुअल में वो रेंजेस ये वाले पॉइंट्स थे। अब यहां पर देखिए इन पॉइंट्स को क्यों हमने दिया था, ये सपोर्ट्स है ना, प्राइस यहां से अपसाइड की तरफ देखे गया, सपोर्ट जोन करेक्शन, वापस से सपोर्ट जोन पर टेस्ट करेक्शन गिर गया। वॉल्यूम्स देखिएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम में काफी अच्छी वॉल्यूम आई थी जब प्राइस ने डाउन साइड की तरफ ये ब्रेकआउट दिखाया था, इसको देखिए ये वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट थे 11 14 15 16 17 18 19 20 21 सारे के सारे वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट यहाँ पर प्राइस ने किया है ना यहाँ पर। और ब्रेकआउट के बाद में जैसे ही यहाँ पर प्राइस के ब्रेकआउट हुए, मतलब अपनी रेंज को जब प्राइस ने ब्रेक किया इस ब्रेकआउट के साथ में, अगेन देखिए नेक्स्ट डे प्राइस मेरा डाउन साइड की तरफ गिर गया। अब देखिए नेक्स्ट डे जैसे ही प्राइस मेरा उस रेंज पर आया, गिरने के बाद में जैसे ही उस रेंज पर आया वापस गिर गया,
अगेन प्राइस हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम उसी रेंज पर ट्रेवल कर रहा है और एक तरह से एक सेलिंग जोन है। आप इसको कल के लिए अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हो। व्यू क्लियर है ना, हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही देखनी है। कल की मार्केट कंडीशन में देखिए अभी क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से अगर हमें सेलिंग के व्यूज दिखते हैं, कंफर्मेशन दिखती है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मेन पॉइंट क्या है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप की अकॉर्डिंग। चलिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम को हमने देखा और अब इंडसइंड बैंक देखिए। इंडसइंड बैंक में भी एक एग्जांपल है, जैसे कि इसको ओपन होने देते हैं। ये एक जोन है, जैसे ये पॉइंट है, ये एक सपोर्ट पॉइंट है। वॉल्यूम्स देखिए, ये जो ब्रेकआउट हुए थे प्राइस के डाउन साइड की तरफ, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए वॉल्यूम्स को ऑफ करते हैं अपने सपोर्ट को। अब ये तो चलिए ब्रेक हो गया, ये जो जोन है ये ब्रेक हो चुका है। इसके पहले के पॉइंट्स देखिए, यहाँ पर प्राइस ने लिए थे सपोर्ट मारे, सपोर्ट्स के बाद में प्राइस उसी जोन से, जिस तरह की चीजें हम लोग देख रहे थे ना, ये देखिए सपोर्ट अपसाइड की तरफ, सपोर्ट अपसाइड की तरफ, सपोर्ट अपसाइड, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के वक्त में जो इसकी वॉल्यूम थी, इंक्रीजिंग वॉल्यूम थी, वॉल्यूम को देख लीजिए, सबसे ठीक ठाक वॉल्यूम इसके अंदर थी। वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो चुके थे पूरी तरह से, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये देखिए ब्रेकआउट 24th of February के ब्रेकआउट। जब से प्राइस वॉल्यूम के साथ हमारे जोन को जिस दिन से ब्रेक किया है, तब से उस रेंज के ऊपर प्राइस हमारा नहीं निकल पा रहा है ना, वहां से नीचे गिर रहा है, फिर प्राइस उस जोन पर, फिर वहां से नीचे, फिर से प्राइस उसी जोन पर और वहां से नीचे। जो सिस्टम है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का, आप प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट फुल वीक प्रैक्टिस करो। और इसके ऊपर क्या आपने ऑब्जर्व किया है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन रही है, किस तरह से आपको हेल्प कर रहा है, क्या समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा एक एग्जांपल हम आपको और दिखाते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक है, सपोर्ट सपोर्ट अप और ये ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में वापस प्राइस उस जोन पर गया है, गिर गया है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, ये वाला जो सपोर्ट पॉइंट बना, यही रेंज मेरी इंपॉर्टेंट होगी। कोई भी चार्ट आप देखो, जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम दे रहे हैं आपको कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आपको निकालो तो इस पॉइंट से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो। अभी और भी आगे बहुत सारे मेथड हम बताएंगे जिसको थ्रू आप निकाल सकते हो, प्रैक्टिस करिए इसके। नेक्स्ट फुल वीक आपको इसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जी जी उधर माइक कम्यूट कीजिए अपनी। सर मैं पूछना चाह रहा था, ये आईसीआई आपने अभी खोला था, एक मिनट खोलेंगे सर, ये ब्रेकआउट हुआ था अभी लास्ट में, इसकी वॉल्यूम पहले वाली वॉल्यूम से कम थी, तो इसे वैलिड मानेंगे क्या? उतना ज्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि इसकी जो मार्च की कौन सी डेट है, ये 3 से पहले वाली जो डेट है इसमें बहुत वॉल्यूम थी, ब्रेकआउट हुआ उस वॉल्यूम से कम में ब्रेकआउट हुआ है। इस दिन एक्सिस बैंक को जब आप देखोगे ना, आईसीआईसीआई बैंक की जगह जो एक्सिस बैंक है उसके अंदर वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट, मतलब उसने अपनी रेंज का ब्रेकआउट कर दिया था। ये जो डेट है अपनी, उस दिन काफी अच्छा मूवमेंट एक्सिस बैंक के अंदर आया था। हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट का मतलब ये हुआ है कि जिस सपोर्ट को उसने ब्रेक किया ना, अभी रेजिस्टेंस जब उस रेंज पर सपोर्ट मतलब रीटेस्ट होने के लिए प्राइस जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस से अच्छा खासा रिजेक्शन उसको मिल सकता है। अब ये जो रिजेक्शन के एरियाज होंगे, कंफर्मेशन हमें लेनी होगी। जब हम सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो कंफर्मेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है मेरी। जब हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या मेरा सेक्टर गिर रहा है, क्या मेरा निफ्टी गिर रहा है, एक्सिस बैंक के जो स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर के, क्या वो क्या कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम यहाँ पर मार्क करके बैठे हुए कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, प्राइस ने ब्रेक किया रिट्रेसमेंट पर, यहाँ पर जितना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगा हम उतनी अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। और इनके साथ निफ्टी और सेक्टर भी चेक करना पड़ेगा साथ साथ, अगर पॉइंट पे है वो भी चेक करना पड़ेगा इस पॉइंट पर है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि मान लीजिए आप एक्सिस बैंक को तो शॉर्ट करने के लिए बैठे हुए जी, और सेक्टर ऊपर जाए, शॉर्ट करोगे आप? हाँ हाँ सही बात, उल्टा हो जाएगा एक, है ना। अब तो लाख वो अच्छी जगह पर हो भाई, सेक्टर ही ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर तो सब कुछ हमारा फेल होता हुआ ही, मे भी चांस है कि वो ना ऊपर ना जाए, वो गिर जाए, लेकिन हमें थोड़ी ना मालूम है। हम अपने प्रोबेबिलिटी के हिसाब में चलेंगे, जो हमने सोच रखा है वो ज्यादा देखेंगे। अच्छा, और सर ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप क्या है इन चीजों में जो आपने लिख के बताया था अभी? ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का मतलब कि प्राइस की जो रैली है ये ड्रॉप हुई, जैसे इंडसइंड बैंक है जी। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का मतलब कि प्राइस की रैली ये जो ड्रॉप हुई है जी, ये अपने इसी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को, मतलब ड्रॉप हुई रैली को ये कंटिन्यू कर रही है, ये इसका एक बेस समझ रहे हैं, सपोर्ट पॉइंट लाइक जी 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 जी, ड्रॉप बेस अगेन ड्रॉप। और फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ये अभी तो ऊपर से,
ये नहीं, जैसे ये ठीक उदाहरण है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, है एक तरीके से ये मानूं कि ऊपर से कोई स्टॉ नीचे की ओर आ रहा है और अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे से फिर रिट्रेस हो रहा है, तो वो हाँ ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप एक कैटेगरी में आ गया। लेकिन अगर कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जाने के बाद में एक रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद उसको इसको सपोर्ट बनाए तो इसको बोलते हैं ड्रॉप बेस्ड स्टॉक, और उसको जी जो आप पॉइंट्स बोले बुलिश साइड में वो होती है रैली बेस्ड रैली, हाँ रैली बेस्ड रैली। अच्छा, हाँ उसका ड्रॉप नाम अलग, बेस्ड अगर क्योंकि ये स्टॉक। तो हाँ 22 वर्ष अपन जैसे चेक कर रहे हैं अभी, तो ऊपर का उदाहरण ले रहे हैं रैली बेस्ड रैली। वो ठीक है, रैली बेस्ड रैली हाँ होती है, इसके बारे में आर्टिकल्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही ने इसको आपको पहली बार बता रहे, हमसे हाँ पहले नहीं वो बहुत क्या उस सारे शब्द का भी लोगों उपयोग नहीं ने आया था ना, इसलिए समझ में नहीं आया था मेरे को ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का। इसको बताया। हाँ आप डालिएगा, आप गूगल पर देखिएगा, काफी सारी बुक्स इसके ऊपर आपको मिलेंगी, आर्टिकल्स, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे, आप पढ़िएगा। वो सर एक्चुअली क्या इंग्लिश में ज्यादा है मेरी, जरा कमजोर बहुत ज्यादा है वो। अरे एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, कुछ वो नहीं है, आपने भी जो पढ़िए भेजी थी ना, मैंने कोशिश तो की थी इसको थोड़ा, लेकिन जरा सही सब्जेक्ट बहुत बात डल है मेरा वो, है, नॉर्मली जो था सही हो अपने यहाँ जाएगा, का। सही हो जाएगा। जी जी ओके सर, क्लियर कार्तिक मेहरबानी सर, कीजिए अपने। सर क्लियर है सर। मैं रखो आईसीसी बैंक में पूछ रहा था, वो पूछ लिया था। ओके ओके कार्तिक, ये सारी चीजें आई थिंक सभी लोगों को क्लियर। देवेन जी जितनी अच्छी तरह से वीडियोस के अंदर एट अ टाइम जो हम एनालिसिस करते हैं ना, जो दो चैप्टर्स अभी हमने आपको बताया, एक चैप्टर्स, इसको आपको कंटिन्यू करना है जितना हो सके ना, एक टॉपिक पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना नॉलेज अपने अंदर भरने की कोशिश कीजिए। नॉलेज आपके पास होगी तो फिर आप उसको फिल्टर कर पाओगे। हमारे सर एक बात बोला करते थे कि अगर एक खराब बुक भी आपको किसी एक बुक के बारे में आपको बुरा भी बोलना है ना, उसको भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फलाने टॉपिक के ऊपर कोई भी बुक लिख दी गई, जस्ट आपने क्या फर्स्ट पेज पढ़ा और पूरे बुक को आपने क्रिटिसाइज कर दिया, ऐसा नहीं करना होगा। कोई भी एक पॉइंट हो, जैसे रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड रैली, जो भी हमने आपको बताया है ना, इसको पढ़िए पूरी तरह से पढ़िए। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो उसको पूरी तरह से समझिए। समझने के बाद में आप कह सकते नहीं ये थोड़ी सी ये टफ लग रही है, इससे अच्छा अपने पास सिस्टम है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आज जो पॉइंट हमने बताया इसी के ऊपर, या अभी दो तीन चार चार्ट में देख करके आप नहीं समझ सकते, इसको पूरे वीक देखिए, पूरे वीक टेस्ट करिए, 100-150 चार्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप, तब समझ में आएगा आपको। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़ने की कोशिश कीजिए।